कि आप सभी लोग जानते हैं कल ही टार्सन्स का अलॉटमेंट हुआ है, तो वो अलॉटमेंट आपको मिला है कि नहीं मिला है, किस तरीके से आपको चेक करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था लिंक्डइन टाइम के बारे में, तो आपको यहाँ पर ब्राउजर में टाइप करना है लिंक्डइन टाइम। लेकिन जब इस पेज पर आप आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डीपी क्लाइंट आईडी। लेकिन ये नीचे देख लीजिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स दिखा, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सफायर फूड्स का आ रहा है लेकिन टार्सन्स का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब आ ही नहीं रहा है तो आप देखोगे किस तरीके से फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन आज आपको नई वेबसाइट बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने गूगल क्रोम में आ जाना है ब्राउजर में, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है। यहाँ पर देख लीजिए की फिनटेक, इस वेबसाइट को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है फ्रेंड्स, की फिनटेक, और ये सबसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, तो बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है लिंक वन आईपीओ अलॉटमेंट, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, जब ये नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पर देख लीजिए रिसेंट आईपीओ शो ऑल आईपीओ, दो ऑप्शन है, तो आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना रिसेंट आईपीओ। अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्ट आईपीओ का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आईपीओ में आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे देख लीजिए अभी फिनो पेमेंट बैंक का है, इसमें आदित्य बिरला सन लाइफ का दिखा रहा है और अपना टार्सन्स, तो हमको टार्सन्स का देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप टार्सन्स पर क्लिक करते हैं तीन देख लीजिए क्वेरी दिख रही है, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आप देखना चाहें या डीपी आईडी के हिसाब से या पैन नंबर के हिसाब से, तीनों में से किसी के भी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एप्लीकेशन टाइप भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा किस तरीके का, तो आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर हम पैन नंबर के हिसाब से देखेंगे, तो मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर फटाफट से डाल देता हूँ। तो पैन नंबर डालने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो भी कैप्चर हो यहाँ पर सबमिट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए इश्यू टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड, और आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा किस एप्लीकेशन से आपने यहाँ पर अप्लाई किया था, नीचे आपका नाम आ जाएगा पूरा, और इसके बाद में शेयर्स अलॉटमेंट कितना था वो आ जाएगा, और शेयर्स अलॉटेड हुए हैं कि नहीं वो भी आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव विन अलॉटेड 22 शेयर्स अगेंस्ट योर एप्लीकेशन। इसका मतलब मुझे यहाँ पर शेयर मिल चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको शेयर मिलेंगे तो इस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको शेयर नहीं मिले तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट मिल चुका है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का लिख करके आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें।